पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी हार के कारणों के मंथन में जुटी हुई है। इस बीच पार्टी सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी में व्यापक स्तर पर सांगठनिक फेरबदल कर दिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर के 8 जिलों में तृणमूल का खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं उत्तर बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर 7 पर भाजपा एवं 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल पर चुनाव के मद्देनजर खास नजर रख रही थी। वे साल में कम से कम दर्जन भर उत्तर बंगाल का राजनीतिक दौरा कर चुकी थी, पर लोकसभा चुनाव में उनके हाथ कुछ नहीं आया। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में तृणमूल को मुंह की खानी पड़ी, जहां उनके विधायक व मंत्री हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज लोकसभा सीट से पराजित हुए कन्हैया लाल अग्रवाल को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। नया दायित्व मिलने के बाद इस्लामपुर नगर पालिका के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले के ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत व जिला स्तर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां भी कोई त्रुटि या कमियां नजर आएंगी उन्हें दूर कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। साथ ही आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। सामने ही पंचायत व नगर पालिका का चुनाव है, पार्टी उसे ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। युवा शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।